श्री राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। हमारे बड़े भैया अभी आपको सुनाएंगे वो सुंदर भजन कि अगर एक श्लोक में लिखा है ज्ञानेन हीना पशुविना, ज्ञानहीन मनुष्य जो है वो पशु के समान बताया गया, लेकिन एक भजन के माध्यम से बताऊंगा कि ज्ञानहीन मनुष्य पशुओं से कई गुना नीचे चला जाता है, वो पशु के समान भी नहीं हो सकता। ध्यान से सुने, बिने ज्ञान मनुष्य योनि पशुओं से नीचे गिर जाती। अब कैसे पशुओं से नीचे गिर जाती है? रोज देखते हैं आपके घर में बकरी करे पेशाब। जो बकरी पालने वाले लोग होते हैं वो पहले तो गांव में रसोई के अंदर बकरियों को बांधते थे, वहीं पर वो पेशाब करती हैं और लेड़ी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं होती, वो वहीं पर सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन मनुष्य जिसके पास ज्ञान है, रोज देखते हैं आपके घर में बकरी करे पेशाब, और आप करें जो सड़क के ऊपर पकड़े जाए जनाब, पुलिस डंडे दिखलाती। बिन ज्ञान मनुष्य योनी पशुओं से नीचे गिर जाती। बकरियों को घर में पेशाब कराते कोई कुछ नहीं कहता, अगर आप अपने दरवाजे पर खड़े होकर पेशाब करेंगे तो पकड़ के पुलिस ले जाएगी, मोहल्ले वाले कहेंगे कि बताओ ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। ज्ञान उसके पास है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। और तुलना कर लीजिए कि उससे तो अच्छी वो बकरी है जिनको कोई नहीं रोकता, आराम से पेशाब कर लेती है, और ये व्यक्ति अब आपसे अच्छी तो बकरी। आगे तेल फूले डाल बालों में मत करना अभिमान। हम लोग अपने बालों में अच्छे अच्छे तेल डालते हैं, कहीं चमेली का डालता है, कोई आंवला का डालता है, खूब अच्छे अच्छे शैम्पू लगाते हैं, तमाम तरीके से बालों की रक्षा करने के लिए व्यवस्था बनाते रहते हैं, लेकिन अंत में होता क्या, नाई के दुकान पर जाते हैं, काट के फेंक दिए जाते हैं नाली में। तेल फूले डाल बालों में मत करना अभिमान, अरे भेड़ों के बालों से बनते कंबल और लुबान, ओढ़े दुनिया सुख पाती। बिन ज्ञान मनुष्य योनी पशुओं से नीचे गिर जाती। आपके बालों की कीमत इतना तेल शैम्पू लगाने के बाद भी नाली में जाना, और एक भेड़ जिसके कोई तेल शैम्पू नहीं लगाया गया उसके बालों की कीमत इतनी कि उसके कंबल बनते हैं जिसकी कीमत हजारों में होती, और जिसके घर में भेड़ की उनका कंबल पते अरे ये 20,000 का है, 50,000 का है। ऐसी तो वो भेड़ के बालों की कीमत ज़्यादा है, हमारे बालों की कीमत कुछ भी नहीं, तो पशु के समान कहाँ रहे, तो पशु तो उनसे कई गुना आगे चले गए। उसके बाद लार थूक में बंदे तेरे बदबू बेसुमार, कहीं अगर कोई लार चुबाए दे नब, जितने भी द्वार हैं सभी से आपके अंदर से दुर्गंध वाली ही पदार्थ निकल रहा है, कहीं भी अगर कोई थूक दे तो कहीं भी इतने यहाँ पर थूक दिया उसने वहाँ पर, तो सारी चीज़ें गंदगी से भरी हुई हैं। लार थूक में बंदे तेरे बदबू बेसुमार, वही लार, और ये कीड़े की लार से बनता है रेशम का तार, पहने दुनिया इतराती। बिन ज्ञान उस योनी जिस कीड़े की लार से बनता है रेशम का वस्त्र, उसको पहनकर लोग इतराते हैं, कहते हैं उसने रेशमी वस्त्र पहना हुआ है, उसने रेशमी वस्त्र पहना हुआ है, वो भी तो एक कीड़े की ही लार है उससे। तो इस कहने का मतलब है ज्ञान शून्य मनुष्य से पशु से भी नीचे है, पशु के समान भी नहीं है, इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान परमात्मा का ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा उसने सारी चीज़ों की खोज की, और ज्ञानवान व्यक्ति ही संसार में सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ है। प्रेम चलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।